दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ काजल स्टूडियो में, जहाँ के रिकॉर्डिस्ट गिरीश प्रजापति जी हैं और उनके द्वारा एक बहुत ही हिट गाना भोजपुरी रिकॉर्ड हुआ है और उसकी गायिका हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर गायिका गुड़िया मौर्या जी हैं और इनके साथ ड्यूएट सॉन्ग किया है श्री जालंधर राजभर ने और हम लोग इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि कैसा गाना बना है और किस तरह का गाना है। गुड़िया जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं गुड़िया मौर्या भोजपुरी कलाकार जी और हमारे भाई जालंधर राजभर जी भोजपुरी कलाकार और मैं आज काजल स्टूडियो में आई हुई हूँ जो कि हमारे प्रोड्यूसर गिरीश जी हैं, हमारे गिरीश जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी। मेरा वहाँ पे गाना है और रिकॉर्डिंग हुआ है जी, तीन गाने का रिकॉर्डिंग मेरा हुआ है तो और बहुत अच्छा है वो, जो कि मार्केट में आएगा बहुत धमाल मचा देगा और आप लोग सुन के उसको लाइक सब्सक्राइब कर देना जरूर जरूर जरूर। मैं अपने ऑडियंस को भी बोलूंगा कि आपके जो गाने हैं उनको देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें। गुड़िया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज जो गाना यहां पर रिकॉर्ड हुआ है उस गाने के बोल क्या हैं और अगर हो सके तो थोड़ा सा वो गाना अगर आप गुनगुना दे तो काफी अच्छा होगा। जी जी, क्यों नहीं, सुनाते हैं। गाना है गोरी गोरी गाल मोरा रूपा हसीन बाहो रूपा हसीन बा, क्या बात है। गोरी गोरी गाल मोरे रूपा हसीन बाहो रूपा हसीन बा, सुनतन केरा पेरे जी, सुनतन केरा पेरे वाली तोर मसीन बा, सुनतन केरा पेरे वाली तोर मसीन बा। बहुत अच्छा सॉन्ग है और मुझे लगता है ये गाना मार्केट में आएगा तो बहुत ही धमाल मचाएगा। अच्छा गुड़िया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप भोजपुरी गाने के साथ साथ कुछ हिंदी गाने का भी करती हैं। जी जी, करती हूँ ना, हिंदी गाने भी करती हूँ। अच्छा, तो एक सुनाइए जरा कोई हिंदी सॉन्ग जो आपको पसंद हो। हिंदी गाने सुना देते हैं कि जो भी कैसे में खाई थी मैंने वादा किया था जो मिले थे, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। बहुत 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 गुड़िया जी, मैं जालंधर जी से जानना चाहूंगा कि नमस्कार दोस्तों जी जी नमस्कार। जालंधर जी, आप भोजपुरी गाने के साथ हिंदी गाना, या मैंने सुना है कि आप बिरहा वगैरह भी गाते हैं काफी। जी जी जी, तो यहाँ पर जो आपका इनके गुड़िया जी के साथ आपका शायद ड्यूट सॉन्ग था। जी जी, आज मैं काजल स्टूडियो में उपस्थित हूँ सर जी, और हमारे बड़े भैया म्यूजिक डायरेक्टर जो म्यूजिक पे काम करते हैं, हमारे बड़े भैया गिरीश प्रजापति जी, बहुत दुलार प्यार मिलता है। और जो लेडीज में हैं, मुन्ना भैया हैं और राकेश जी हमारे छोटे भाई, लेखनी गजब की है उन लोगों की और गीत में म्यूजिक भी बहुत अच्छी है और साथ में हमारी गुड़िया जी ने साथ दिए हैं जी, और गीत को हम लोगों ने बहुत अच्छे से वो किया है। अभी थोड़ा सा काम बाकी है तो उसी गीत को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग डुएट गीत गाए हैं जी। तो पहले तो हमारी गुड़िया जी की लाइन है तो वो गाएंगी जी, और मिक्स है तो हम लोग पहले ये शुरुआत करेंगे उसके बाद मैं गाता हूँ। गुड़िया जी, वो गीत बताइए। जी जी, बता रहे हैं, मेरा दूसरा गीत है पिया परदेसे सोनी बात हाली हाली सैया हाली हैया, क्या बात है, राजा हाली हैया झुमका झूलनिया ओटा लाली राजा ले ले आइया, झुमका झूलनिया ओटा लाली राजा ले ले आइया। जालंधर जी, आप भी जो आपका जो गाना है, जो आपकी लाइन है, जरा आप भी गुनगुना दीजिए। जी सर, इसी में मैं गया हूँ यावत बाती वाली अब यावत बाटली आवत बाती वाली घरे आवत नानी हाली धनिया ले ले आई, क्या बात, गुड़िया ले ले आई
झुमका झुलनिया वो ठलाली तो अकेले ले आई, झुमका झुलनिया वो ठलाली तो अकेले ले आई। और दूसरी गीत है हम लोगों की डुएट ही है वो भी, तो गुड़िया जी आप बताइए उस गीत को, मुखड़ा दूसरी गीत का गोरे गोरे गाल वो तो गा नहीं, बताओ आप वापस माए गाओ। हमारी एक तीसरी गीत आने वाली है जो कि मार्केट में नवरात्रि तक आ जाएगा आप लोग के बीच में जी, हमारा वो गीत है लाली लाली चुनरी मंगाई रे मैया, लाली लाली चुनरी मंगाई रे मैया, तोहके ही भोगवा लगाई रे मैया, क्या बात है, तोहके ही भोगवा लगाई रे मैया जी। नवरात्रि तक तेरा ये गाना आ जाएगा, अच्छा लगे तो आप लोग जरूर जरूर कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, जरूर जरूर। मैं अपने सब्सक्राइबर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस गाने को हिट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों का तक शेयर करें, और आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।